मुझे देखना था अक्षय कुमार का घर, अभी फाइनली जगह मिल गया। ओला गेट है ना, ओला गेट से अंदर एंट्री कर सकते हैं। अंदर में ना बहुत ही प्राइवेट स्पेस है वहाँ पे बैठने के लिए। 6 किलोमीटर वॉक करने के बाद अभी हम पियेंगे वैसे चाय। मुंबई में जो मेरा फर्स्ट जो फ्रेंड है ना वो यही है यार। जब से मैं आया ना मुंबई पे, मेरा एक प्लान था कि ड्राइव पे चलने का, चाहे वो मॉर्निंग ड्राइव हो या फिर इवनिंग ड्राइव हो या फिर नाइट ड्राइव हो। तो नेविल भाई है वैसे यहाँ पर, एंड अभी फाइनली यार हमें टाइम मिला है जाने को चलने को। तो वैसे भी ये रात नहीं हो रहा है, ये सुबह के बजे अभी 5:30 नेविल भाई जस्ट अभी मुझे कॉल किया था, ही इज़ अराइविंग। सो मैं अभी फिलहाल हूँ अपने भाई के घर में। सो हे गाइस, नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सो करेंटली इज 5:34 एंड ये अभी सीन है कुछ सुबह का। बिल्डिंग है ना, दो गेट है, एक पीछे एक आगे में, आगे के साइड में, एंड नेविल भाई अभी पीछे का साइड में आ गया फाइनली। तो ये बंदा अभी मतलब कार ड्राइव सीख रहा है भाई। कितना ठंडा है भाई अंदर, पूरा एसी वेसी के चला रखा है। गुड मॉर्निंग ब्रो, बहुत टाइम बाद उठे यार इतना सुबह। मैं कितने दिन के बाद उठ गया। जू जाए या फिर कहाँ जाए? जू चलते पहले। तो वैसे यहाँ से जू मतलब ना पड़ेगा कम से कम 10 किलोमीटर होगा ना, 10 किलोमीटर होगा या 10-11 किलोमीटर होगा। नेविल बोल रहा था गाइस कि उसको चलाना नहीं आता, वो सीख रहे हैं। बट ये बराबर मतलब चलाते हैं, एकदम बराबर चला लेते हैं सही तरीके से। बट ना सिर्फ क्या में प्रॉब्लम होता है, ट्रैफिक में होता है प्रॉब्लम। अभी भी सीख रहे हो ना? स्टार्टिंग में ना मुझे भी था कार ड्राइव में, मुझे मतलब ट्रैफिक में प्रॉब्लम होता था। एंड सबसे मतलब जो बड़ा प्रॉब्लम होता था अरे ट्रैफिक में ना वो गाड़ी रुक जाता है स्टार्टिंग में वो चलाते वक्त, जैसा वो बाइक से रहता है ना एकदम खचक खचक करके जो फर्स्ट गियर में, वो गाड़ी में सेम है। हाँ पर मेरा रुका, तेरा नहीं रुका, तेरा सही से मतलब ये चला लेते हैं। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं अभी फिलहाल जू, एंड जू पे कुछ टाइम बिताएंगे, अभी चाय वाय पियेंगे, उसके बाद वापस लौट जाएंगे। ट्रैफिक हो जाएगा अदरवाइज फिर इसको प्रॉब्लम होगा वापस घूम के आने में। मतलब तू ना चलाया करे ट्रैफिक में, तो यहाँ से किधर जाना है? यार सुबह के वक्त ना पूरा खाली है भाई, इतना खाली रोड मैंने देखा नहीं मैंने। भाई पहुंच ही गए ना जू, ज्यादा दूर नहीं यहाँ से, ऐसे हार्डली 2 मिनट। 2 मिनट ना? अरे सही है। अबे मुंबई में ना लेकिन खुद का गाड़ी हो ना बस इसी टाइम को निकलने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है सुबह सुबह, नहीं तो ट्रैफिक में पूरा फंसा है। लोनावाला ना अर्ली मॉर्निंग ही निकलेंगे। अच्छा लोनावाला यहाँ से कितना दूर है? 2.5 घंटा लगेगा ब्रो। मतलब कितना, 70-80 किलोमीटर? 100 किलोमीटर। हाँ ठीक है यार चलते यार, जैसे बारिश होगा नेक्स्ट मंथ। अच्छा लोनावाला क्या मतलब ठंडा प्लेस है फिर? कैसा है ठंडा प्लेस है? सो गाड़ी यहाँ पे पार्क है, एंड वैसे पूछते हैं मेरा ड्राइविंग कैसा लगा नेविल भाई को? एक नंबर। लोनावाला अगर चलते हैं ना गाड़ी वाड़ी लेके, अगर इनके चलना होता है ना सही में मजा आ जाएगा। वैसे चलेगा ना, बारिश तो कितने देर एक बार भाई, हम ना बहुत जल्दी आ गए यार, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं आ गया, एक तो धूप निकला नहीं एंड थोड़ा अंधेरा अंधेरा लगा। पता नहीं वीडियो में कैसा आ रहा होगा, ठीक ठाक आ रहा है। अच्छा हाँ वो चीज है ना, टाइम मिलता नहीं वैसे निकल के आने को, तो उठना होता नहीं सबसे पहली बात, उठना नहीं होता बस ये पहली बात। कार चलाना हो ना तो पता नहीं अंदर से क्या, कार चलाना हो बाइक चलाना हो तो उसके लिए उठ जाते हैं। घूमने जाना हो, हाँ घूमने जाना हो। जुहू बीच का ना ये चीज अच्छा है कि ना बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, एंड बहुत सारे लोग कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कि जो मन चाहे वो करे, कोई दौड़ रहे, कोई योगा करे, कोई बॉक्सिंग करे, कोई क्रिकेट खेल रहे, कोई फुटबॉल खेल रहे है कि नहीं? बोल नेहल भाई आगे में देखो ना बहुत बड़ा सा एक ग्रुप है, एंड वहाँ पे उन लोग योगा वोगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाफिंग वो जगह तो वो सब चीज़ कर क्या कर रहा तो गाइस हमने 2 किलोमीटर समथिंग वॉक किया रहेगा, बिल्कुल वहां से अभी तक यहाँ पे आ गया ना। अभी तो यार मैं सोच रहा नेविल भाई ऑटो लेके पकड़ के जाने के है क्या रोड से? एंड यहाँ तक पता किसके लिए आए हैं? मुझे देखना था अक्षय कुमार का घर, अभी फाइनली जगह मिल गया। प्राइम बीच अपार्टमेंट यहाँ पर है, नेट से मतलब निकाला मैंने, तो ये बोले तो भाई यहाँ पे नहीं करके ना तो फाइनली जगह मिल गया। इसने मुझे देखा नहीं था। तो ये देखो यार ये वाला घर है अक्षय सर का, एंड ये कुछ लोकेशन प्राइम बीच का। एंड इनका ना पता कहानी क्या है, आपने सर मे भी सुना हो या नहीं, उनका कहीं मैंने इंटरव्यू मैंने देखा था कि जब वो स्ट्रगलिंग कर रहे थे ना यहाँ पे, वो मार्शल आर्ट सिखाते थे यही बीच में मतलब ये एरिया पे, एंड बाद में जाके ना जब स्टार बन गए तो ये वाला मतलब बंगलो खरीद लिया जो पीछे है, बहुत ही सुंदर बंगलो है। क्या जा रहे हैं अंदर? वो वाला गेट है ना, वो वाला गेट से अंदर एंट्री कर सकते हैं, एंड अंदर में ना बहुत ही प्राइवेट स्पेस है वहाँ पे बैठने के लिए। वो पोस्ट वोस्ट करते रहते हैं इंस्टाग्राम का, बहुत ही बड़ा एरिया वो देखना वहाँ तक पूरा। 6 किलोमीटर वॉक करने के बाद अभी हम पियेंगे वैसे चाय। वैसे ना मुझे जूस पीने का था,
बट यहाँ पे जूस मिला नहीं, अभी सुबह के 7 बजे रहे तो ना, अभी कोई दुकान खुला नहीं है, तो जूस मिलता ना तो सही होता, मौसमी का जूस वगैरह। बड़ा सा यहाँ पे लौकी लगा रखा है, बहुत ही सही मार्केटिंग। पंचायत आ रहा है गाइस, ये ना जलसा उस दिन आया था यहाँ पे, ये सही का निकल गया वैसे जूस है, एंड बहुत ही अच्छा लगा वॉक करके। एंड अभी हम फिलहाल चल रहे हैं कुछ खाने को लोखंड वाला मार्केट, सुबह सुबह खा लेते, दिन का शुरुआत कर लेते। नहीं भाई आएगी नहीं। अरे एक चीज पता क्या, मैं जब भी आया ना मुंबई में मरीन ड्राइव में गए हो, इस बार बस नहीं जा रहा, एक तो यार जॉब स्टार्ट करते हैं तो इसी कारण से, लेकिन चलते हैं बहुत जल्दी मरीन ड्राइव भी चलेंगे। नेविल भाई लेकिन बहुत ही मस्त आदमी है ये मतलब इतना मस्त है ना, मेरा मुंबई में जो मेरा फर्स्ट जो फ्रेंड है ना वो यही है, एक लौता फ्रेंड है मेरा मुंबई पे। बाइक हो गाड़ी है मतलब हम जहाँ भी घूम रहे ना, ये मुझे पूरा घुमाता है सही तरीके से, अच्छा अच्छा प्लेसेस यहाँ पे जितने भी है, जितना मतलब इसको पता है। ज्यादा मुझे मतलब जो मन है मुझे जाने का वो है फिल्म सिटी। आयल भाई अगर फ्री होंगे ना तभी, अरे फ्री क्या बोलूंगा तो लेके जाएगा। आयल भाई मैं मिलवाता हूँ धीरे धीरे, अगर ब्लॉग में आएंगे वो भी। जो चीज हम ढूंढ रहे थे खाने को, इडली वड़ा जो भी है, तो वो मिला नहीं, पूरा शॉप बंद है। तो अभी बस यहाँ पे बिल्डिंग के नीचे आ गया वैसे मैं अभी, तो यहाँ पे खा रही क्या था, पटाटा भजी, पटाटा भजी है, पटाटा भजी है, मैंने खाया नहीं वैसे पहले, क्या है अच्छा। एंड सुबह के वक्त ना अभी बस बन रहे, ज़्यादा कुछ बना नहीं यहाँ पे, समोसा है, कचौड़ी है, जलेबी है। वॉक करके अच्छा कुछ खाना पड़ता है, बट हम यार ये स्टार्ट कर रहे हैं दिन से, पर चलते हैं कभी कभार चलते हैं वैसे, चीट डे है ना तो चीट डे हिसाब से चलते हैं। ड्राइव तो कर लेगा ना, ट्रैफिक वैसे ज़्यादा नहीं, आराम से जाने का बस। तो वैसे सही में यार बहुत ही अच्छा हमारा ड्राइव था आज का, मॉर्निंग राइड बहुत ही सही था। चलो बाय गाइस, बाय बोल दो। तो वैसे इनका जो घर है ना वो ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास ही में यहाँ से, मैं भूल गया था उनका नाम के मतलब प्लेस का नाम। तो अभी मैं चल रहा हूँ वैसे एडिटिंग करने के बाद वापस ऑफिस को। भाई साहब क्या गर्मी है यार बाहर भैया, मैं तो बस अभी एसी लगा के बैठा अभी रूम पे, मतलब कि आके ना मतलब कि सो गया मैं। सो गया, अगर कल का वीडियो आपने देखा होता ना, मैं एक सामान ढूंढ रहा था, मुझे चाहिए था जिपर, बट मैं यार मुझे मिला नहीं, मैं गया था इन और बिग मॉल, बट यार एक प्लेस है मुंबई पे, एक शॉप पे जिसका नाम है जिम एक्स, तो ये मुझे चाहिए था, ये देखो मैंने इनका वेबसाइट से ऑर्डर किया था, तो ये मुझे कम से कम 800 का पड़ा, तो ये देखो यार। मैं आने के साथ साथ ना मैं नहाया, एंड नहाने के बाद मैं वापस सो गया यार, ऐसे ऐसे ऑन पूरा चालू था यार, पूरा नाक पूरा बंद हो गया। ये जो कपड़ा लगा रखा हो ना, ये मतलब कि मेरा भाई का कपड़ा है, मैं अचानक मैं आ गया कल भी, मतलब कि ऐसा कोई प्लान नहीं था यार आने का, बट अभी मैं लंच करके वैसे चल रहा हूँ वापस उसको। सो अगर इसे आते देखने को दोस्तों के आगे पास का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया कि आपको पता क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड देखते रहना मेरे डेली ब्लॉग। चलो भाई गाइस, ठीक है, मिलते हैं कल ब्लॉग में।